पाकिस्तान सुपर लीग के फॉलोअर्स के लिए और क्रिकेट फैंस के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस लाहौर में और रावलपिंडी में होने के इम्कान मखदोश हो गए हैं। बीबीएन स्पोर्ट्स के ज़राए ने कन्फर्म किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पंजाब हुकूमत के दरमियान मामला तय नहीं पाए हैं। सिर्फ इब्तदाई दो मैचेस करवाने के बाद पाकिस्तान सुपर लीग अब मंगल को लाहौर से अपना सब कुछ वाइंड अप करके कराची चली जाएगी। बीबीएन स्पोर्ट्स के फॉलोअर्स को ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि लाहौर में सिर्फ दो मैचेस होने हैं और उन दो मैचेस के बाद पाकिस्तान सुपर लीग लाहौर में अब इम्कानात तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि डेडलॉक बरकरार है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पंजाब की हुकूमत के दरमियान। और आज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जब 25 करोड़ रुपए पंजाब हुकूमत की तरफ से रिलीज़ किए गए, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अदम तावन का शिकवा करता रहा दिन भर। और अब रात गए ये खबर सामने आ रही है कि लाहौर और पिंडी के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस अब मुश्किल होते जा रहे हैं और अब ये मैचेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कराची शिफ्ट करेगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से अदम तावन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बार बार इसरार। और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए की तरफ से ये भी खबरें चली कि इस सूरत हाल में अगर कोई खिलाड़ी वापस चला गया या इस सूरत हाल में कोई और नाखुशगवार वाक़या हुआ तो पीसीबी ज़िम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि पीसीबी बार बार पंजाब के तमाम सरकारी अफसरान और वज़ीर आला पंजाब जो कि निगरान सेटअप के वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी, उन तक भी बार बार पैगाम पीसीबी की तरफ से पहुँचाया जाता रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान सुपर लीग इसलिए करवाता है ताकि मुल्क के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो सके और पाकिस्तान का अच्छा इमेज दुनिया भर में जा सके। लेकिन पंजाब हुकूमत की तरफ से बार बार ज़िद करने और इनकार के बायस अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए पाकिस्तान सुपर लीग को लाहौर में अपने शेड्यूल के मुताबिक करवाने के हवाले से दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। आपको एक मरतबा फिर बताएँ कि लाहौर में 4 मार्च तक पाकिस्तान सुपर लीग थी, उसके बाद एक हफ़्ते के लिए पिंडी मैचेस जाने थे और फिर पिंडी से 12 मार्च को मैचेस वापस आने थे और 19 मार्च को पाकिस्तान सुपर लीग का लाहौर में फ़ाइनल होना था। और अब सिर्फ दो मैचेस, एतवार का मैच और जो मैच मंडे को खेला जाना है, ये सिर्फ दो मैच अब लाहौर के अंदर होंगे और बकिया मैचेस लाहौर से वाइंड अप हो जाएंगे क्योंकि लाहौर में फिर आगे ब्रेक है 27 के बाद 28 और यकम की फिर 2 तारीख को मैच होना था और 4 तारीख को। तो उन दो दिनों में पाकिस्तान सुपर लीग अब ये इम्कानात कम होते जा रहे हैं कि लाहौर में जारी रहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड राज़ी नहीं है पंजाब हुकूमत की तरफ से अदम तावन की वजह से, जबकि सिक्योरिटी के हवाले से भी पाकिस्तान सुपर लीग के लिए सदारती सिक्योरिटी मांगी गई थी, लेकिन उसमें भी पंजाब के सिक्योरिटी के इदारे पीसीबी के साथ तावन नहीं कर रहे। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ है कि 5 करोड़ रुपए आईजी पंजाब की दरख्वास्त के ऊपर रिलीज़ कर दिए गए थे, उसके बावजूद पाकिस्तान सुपर लीग अब लाहौर में मुश्किल होती जा रही है। आज बड़ा मुकाबला है पाकिस्तान सुपर लीग का पेशावर ज़ल्मी जिसकी क़यादत बाबर आजम कर रहे हैं और लाहौर कलंदर जिसकी कप्तानी शाहीन शाह अफरीदी कर रहे हैं, आपस में मध्य मुकाबले होंगे। दोनों कप्तानों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, दोनों टीमों ने आज ट्रेनिंग भी की, लेकिन अब अदम तावन की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए से जो खबरें सामने आ रही हैं कि पीएसएल को मजबूरन अदम तावन और बहुत सारे दीगर वजूहात की वजह से लाहौर से कराची मुंतकिल कर दिया जाएगा।